अब मैं आने वाले 50 घंटे अकेले गुजारने वाला हूँ और वो भी इस जेल में। गुड लक। मैं डरा हुआ हूँ। यही वो कमरा है जहाँ मैं तकलीफ झेलने वाला हूँ, वो भी पूरे 2 दिनों तक। आमतौर पर मैं ऐसे चैलेंजेस 24 घंटों के रखता हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद को 50 घंटों तक आजमाने का सोच रहा हूँ। ये एक वन वे मिरर है और मैं इसके पार नहीं देख सकता, पर दूसरी ओर से बॉयज देख सकते हैं। क्रिस अभी इसे चाट भी रहा होगा तो मैं बता नहीं सकता। तोहफा कबूल करो जहपना। यहाँ जो टीवी लगा हुआ है इस पर उनका कंट्रोल है। उसी का पहला वीडियो चलाता हूँ। मिस्टर बीस्ट, हे, ये तो मेरा चैनल है। खुद के पुराने वीडियोस देखने से बड़ा टॉर्चर और क्या होगा। मुझे तुमसे नफरत है। मैं डर गया। देखते हैं क्या डोर सच में लॉक्ड है। ओ हाँ, ये लॉक्ड है। नहीं होता तो मजा आता। क्या इसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अगर मैं जल्दी बाहर आया तो सजा के तौर पर मुझ पर स्लाइम डाला जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरे 50 घंटे यहाँ रह गया तो सभी बॉयज पर स्लाइम डाला जाएगा, इसीलिए वो मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें अभी पता चला है कि अगर 50 घंटों से पहले उसे बाहर नहीं निकाला जाए तो हम पर स्लाइम डाला जाएगा। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब उसे बाहर निकलना ही होगा। ए जिमी, जानते हो मेरे गले के अंदर से कैसी आवाज आती है? थैंक यू, ये मेरे दोस्त हैं। पूरी दुनिया की सबसे चढ़ा देने वाली आवाज के मजे लो, माइनक्राफ्ट कैट्स। मैं मानता हूँ कि इससे चिढ़ होती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्या ये सच में मुझे सुनाने वाले हैं? मैं उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो प्ले करूंगा। Are you going to finish that croissant play? शायद मैं नर्क में हूँ। सच कहूँ तो नहीं जानता कि वो और क्या क्या करने वाले हैं। आखिरकार बंद हो गया। यहाँ लेट कर उसे इग्नोर करते हैं, वो कभी तो बोर हो ही जाएंगे। वो जमीन पर लेटा हुआ है, बहुत परेशान है। ए, खोलो इसे। क्या हुआ? इसे खोलो। क्या? मुझे उनसे बात करनी है। बात ये है कि शोर मत करो। क्या? जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ तब मैं पैसे देता हूँ। क्या मुझे पैसे मिलने वाले हैं? तुम्हें कोई दूसरी हरी चीज मिलने वाली है, वो है स्लाइम। कम से कम आज की रात तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, हमने फिक्स कर दिया। अब मैं जिमी को बहुत परेशान करने वाला हूं। इसके मजे लो। तुम्हें कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, उन्हें चेक कर लो। उसे मार ही दिया था। इस आईफोन के अलार्म की आवाज को लगातार 1 घंटे सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं अब पागल हो रहा हूँ। तो अब मेरा प्लान ये है, वहाँ वो स्पीकर्स हैं और यहाँ है चेयर और यहाँ पर एक ट्राइपॉड भी है, तो कैमरे को नीचे रख देते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हाथ आगे। इन पर कोई बटन नहीं है तो मुझे शायद इन्हें इस तरह तोड़कर ही चुप कराना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं पक गया हूँ। 1 घंटा हो चुका है। हाँ, मरो। बंद हो गया। पता है कितना अच्छा लगता है जब तुम्हारे कानों में लगातार आईफोन के अलार्म की आवाज नहीं सुनाई देती। शायद वो मुझे वो आवाज 10 घंटे सुनाने वाले थे। ये क्या बकवास है। ठीक है, थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं। शायद वो कुछ लाने के लिए बाहर गए हैं। मतलब अब मैं अकेला हूँ और वापस आने के बाद वो मुझे बिल्कुल नहीं सोने देंगे, तो अभी थोड़ा सा सोने की कोशिश करूंगा। काश मुझे थोड़ी सी नींद आ जाए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो मुझे आज रात थोड़ा सा भी नहीं सोने देंगे और वो आईफोन की आवाज भी बंद नहीं होगी। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे लगा था मैं मरने वाला हूँ। हे जिमी, हेलो। शायद वो स्पीकर्स बंद है। स्पीकर्स कहाँ गए? उसने स्पीकर्स तोड़ दिए यार। अंदर जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा। क्या? तुमने स्पीकर क्यों तोड़ दिया? क्रिस, हे, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। ये तो गलत बात है। क्या कर रहे हो? और रुको। ओह नो। लाओ मेरा पिलो। पिलो इसे दे दो जल्दी। मुझे मिल गया। बाहर जाओ। मुझे मत छोड़ो यार। ठीक है, बंद करो। अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ? अब उसे कैसे ठीक करेंगे? चैलेंज शुरू हुए अभी बस 3 घंटे ही हुए हैं और अभी से बहुत मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन शुक्र है मैंने उनके स्पीकर्स तो तोड़ दिए। हम अंदर वाला स्पीकर नहीं बजा सकते, लेकिन हम यहाँ एक स्पीकर लगा सकते हैं और आवाज अंदर भेज सकते हैं। उसने पूरे साउंड सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। तो ये है हमारा सलूशन। मैं 3 स्टेप से खुद को छुपाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, उस डोर को ब्लॉक करना होगा ताकि वो वहाँ से मुझे देख ना सके। स्टेप 2, मुझे उस मिरर को ढकना होगा। स्टेप 3, मुझे कैमरे को घुमाना होगा। ये कर दिया तो वो देख ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे वो बेड के साथ क्या कर रहा है? वो कर क्या रहा है?
क्लाउंस। जरा जिमी को देखो। क्लाउंस क्लाउंस। मैं दीवार से फोम को निकालकर मिरर को कवर कर रहा हूं। क्लाउंस क्लाउंस। और अब मैं उसे घुमाकर कोने की ओर कर रहा हूं। वो कैमरा कमरे की इस साइड को नहीं देख पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। अब खिड़की बंद हो चुकी है, वहाँ से नहीं देख सकते। और मैंने कैमरा भी घुमा दिया है तो वहाँ से भी वो मुझे नहीं देख पाएंगे। तो उम्मीद है अब मैं सो पाऊंगा और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मजा आएगा। हमने एक रैप शूट किया है और वो एक फ्री स्टाइल रैप है। जिमी अब तुम सो नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें हमारी स्वीट आवाज सुनाई देने वाली है, वो भी पूरी रात। मुझे यहाँ लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, बोर हो रहा हूँ और अभी भी पूरे 42 घंटे बचे हुए हैं। अब तक 5% भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है काल ऊपर है पर मैं नहीं जानता वो क्या कर रहा है। तो मैं अभी आइसोलेशन रूम के ऊपर हूँ और मैं साथ में स्पीकर्स भी लाया हूँ। हम छत को वहाँ से खोलेंगे और हम कोई म्यूजिक बजाएंगे। उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा तो हम जीत जाएंगे। क्या काल ऊपर है? हाँ, शायद। तो अगर मैं इसे ऐसे फेंकूंगा तो उसे लगेगा क्या? ओह माय गॉड। मैं जानता था वो ऊपर ही है। या नहीं तुम इधर आओ। अरे पर मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता पर तुम आ सकते हो। मैं इस चिल्लाने वाली बकरी को सुन रहा हूँ ना। गया। बेवकूफ। क्या तुम पिछले 5 घंटों से सिर्फ यही कर रहे थे? हाँ। अरे जरा इसे देखो। मुझे इस साइड से देखना अच्छा नहीं लग रहा है जिमी। अब मैं इस ब्लैंकेट के अंदर ही छुपने वाला हूँ और वो मुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो वो बोर हो जाएंगे। अब हम जिमी के लिए एक रैप प्ले करने वाले हैं क्योंकि उससे वो बहुत परेशान हो जाएगा। जिमी अब मैं स्पीकर्स को छोड़ूंगा, हमने बहुत मेहनत की है तो प्लीज इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? हम इसे बार बार बजाएंगे। जानते हैं तुम सो नहीं रहे, पता है? मैं किसी भी तरह रिएक्ट करके उन्हें खुश नहीं करने वाला। मेरे भाई परेशान करके रहेंगे, मत करो तुम घाई। हे एक और बार प्ले करो फिर से। कोशिश करके देखो, तुम नहीं बचने वाले। ठीक है, हम जिमी के लिए खाना लाए हैं। सर ये रहा आपका खाना। थैंक यू। मजे कीजिए। आज तो मेरी बहुत ही सेवा हो रही है। थैंक यू बेवकूफो। पता नहीं उन्होंने मुझे ऐसा खाना क्यों दिया है पर मैं शिकायत नहीं कर रहा। अच्छा टेस्ट है, वो मेरा काम आसान कर रहे हैं। मुझे एक सीढ़ी चाहिए, वो कैमरा ठीक करना है लेकिन वो बहुत ही ऊपर है। तुमने वो ट्राइपॉड भी ले? ठीक है लाता हूँ। ये लो, इसे वापस तो दोगे ना? प्लान काम कर गया और मेरे पास अब सीढ़ी भी है। कार्ल ने छत में छेद किया हुआ है और इस सीढ़ी की मदद से मैं वहां तक जाऊंगा। हाँ स्पीकर्स तो मिल गए। ठीक है अब इन्हें वहां फेंक देते हैं, उनकी नजरों से बहुत दूर। मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ और अब मैं उनका कैमरा ठीक करूंगा। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। प्यारे कैमरे वेलकम बैक, सॉरी तुम्हें तकलीफ दी। क्या पता वो क्या था। प्लीज उन्हें मत बताना कि सीडी मैंने दी थी। नहीं बिल्कुल नहीं। ओके बस उन्हें इन स्पीकर्स के बारे में मत बताना। फिक्र मत करो। वो स्पीकर्स कहां गए? वो स्पीकर्स, जिसने भी उन्हें चुराया उसके लिए शाउट आउट, आई लव यू। सच में तुमने उन्हें नहीं लिया? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तो जिमी के लिए एक गिफ्ट है, ये जिमी का सबसे फेवरेट एक्टर है ड्रेक बेल। हे व्हाट्स अप जिमी, मैं हूँ ड्रेक बेल, मिस्टर बीस्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला चैलेंज जीत जाओ, लेकिन कार्ल ने मुझसे कहने को कहा कि तुम रूम से बाहर आ जाओ। तो मैं सच में बाहर घूमना चाहिए पर मैं ये नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि बंद कर दो इसे, ये तो उल्टा हो गया। वीडियो बंद कर दो, ड्रेक बंद कर दो। ड्रेक चाहता है मैं जीत जाऊँ। ड्रेक की जय, ड्रेक की जय। मैं इस चैलेंज को ड्रेक के लिए पूरा करूंगा। क्या पता क्यों मैंने उसे दिखाने से पहले देखा क्यों नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से उल्टा हो गया और अब उसके अंदर और फुर्ती आ जाएगी तो हमें उसे ज्यादा से ज्यादा कम करना होगा। जो कहा गया है वो करते क्यों नहीं, बस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। मेरे पास एक अलार्म क्लॉक है। मेरे पास है 7 अलार्म क्लॉक्स और हमने इसका टॉप निकाल दिया है ताकि वो इसे बंद ना कर सके। आओ अलार्म तो चालू हो गया। ए जिमी उठने की बारी आ गई, सुबह हो गई है। अरे तुम इतने सारे अलार्म क्यों लाए हो? क्योंकि तुम अभी तक सो रहे हो जिमी। तुम्हारे अलार्म तो अपने आप ही बंद हो गए, मैंने कुछ किया ही नहीं। कार्ल ये तुमने किया क्या? मैं सोया हुआ भी नहीं था, बस लेटा हुआ था। ये तुम्हारा हाथ बटाएगा। या!
अब वो एक सायरन ले आया, लेकिन ये उसको दिया किसने? ओ, उसने उसे खींच लिया। ओ माय गॉश, शायद हम उसके साथ बात कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो इतना एक्साइटेड है। शायद हमें उसे पूरी तरह अकेला छोड़ना चाहिए। हाँ, पहला आधा दिन तो बड़ा ही खुराफाती रहा और बॉयज भी अब मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, तो सोने की कोशिश करता हूँ। आपसे मॉर्निंग में मिलता हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग तारिक, तुम कैमराज ऑन कर रहे हो? हाँ। या किसी तरह का जाल बिछा रहे हो? हाँ, सही कहा। उन्होंने मुझे ये हाथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गाइस, वो तबाही मचाने जा रहा है। ओह माय गॉश, उसने वो टीवी तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, शायद जिमी को टीवी की जरूरत है। काल, मैं ये टीवी तुम्हें देता हूँ। बैटरी बैटरी बैटरी। जिमी, क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो ये लो। कैसा लगा तुम्हें एंटरटेनमेंट? काश तुम नीचे गिर जाओ। मैं जिमी को केक देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से अंदर है और केक खाकर उसे अच्छा लगेगा। जब मैं दूसरों से चैलेंज करवाता हूँ, तब मैं सबको खाना खिलाता हूँ ताकि वो मर ना जाए। सही कहा, ये सच है। मैं कुछ अच्छा लाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, ऐसा कुछ लेकर आओ जो मेरी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशनाइज्ड कर सके। ठीक है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ओके। तो शायद मैं तुम्हें स्लाइम ना करूं, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूं। तुमने जानते है, तुम कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आने वाला। संभल कर। मेरे ऊपर भी थोड़े छींटे आए। निशाना चूक गया। जिमी कुछ हेल्दी खाना चाहता है, अगर ये पसंद नहीं आए तो बैकअप प्लान भी है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। थैंक यू। तुम क्या खा रहे हो? थोड़ा लज़ानिया और चिकन। क्या? नहीं, ये तो बड़ा ही आसान है। थैंक यू। उसकी प्लेट में है लज़ानिया, स्टेक, केक। इस चैलेंज के दौरान और क्या क्या खाना बाकी है? पिछले चैलेंज में मैंने बीन्स खाई थी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कितना अजीब है, बहुत ही खराब लग रहा है। कोई खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सीरियसली। hey, जिमी, तुमसे कोई मिलने आया है। ये डरावना है, मुझे बिल्कुल पसंद। अच्छा? नहीं आया। ये ऑरेंज रंग तुम पे बिल्कुल जच नहीं रहा है। मुझे उसकी फिक्र बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ अंदर 35 घंटों से हूँ। तुम बाहर आकर मैरी के साथ घर नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। ये एक जेल है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने की जगह नहीं है। तुम्हें लगता है? मुझसे बदबू आ रही है। अच्छा काल, तुम रेडी हो? हाँ। इसका टाइम आ गया। मैं अंदर आ रहा हूं, ध्यान से। मुझे सच में लगा कि वो काल है। काफी समय से बॉयज ने कुछ नहीं किया। लगता है वो सब सोने के लिए घर चले गए हैं। मतलब मेरा काम आसान हो गया है, या फिर वो मेरे सोने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मुझे जगाकर परेशान कर सके। मैं पिछले 2 घंटे से इस बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, एकदम आराम से। वो मुझे रात में परेशान करने के लिए आ सकते हैं, पर वो नहीं आए, तो शायद अब मुझे सोना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, मैं बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मेरी आखिरी रात है। ये जगह बहुत ही घटिया है, सच में। मुझे मेरे बेड की याद आ रही है, ये बकवास है। जिमी को जगाने का वक्त आ गया है, तो चलो उसे कुछ खास सुनाते हैं। गुड मॉर्निंग। एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं सुबह की शुरुआत बाथरूम से कर रहा हूँ। उन्होंने टाइमर हटा दिया है, इसलिए नहीं जानता कितने घंटे हुए हैं। ओह, मैं फ्लश करना भी भूल गया। सच कहूँ तो जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। मुझे लगा था ये चैलेंज करते वक्त मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उतनी परेशानी नहीं हो रही है, सच कह रहा हूँ। जिमी, चीटिंग नहीं। 4 घंटे और 30 मिनट बचे। बेवकूफ भाई, उसे लग रहा है कि 4 घंटे बचे और वो अभी भी बहुत खुश है, पर असल में 43 मिनट बचे हैं। हमने उसे उल्लू बना दिया। तुम्हारी बदबू दूर भगा रहा था। अच्छा किया, बहुत गंदी थी। ठीक है जिमी, वक्त पूरा हो गया है, तुम बाहर आ सकते हो। ठीक है, चलो अब बाहर आने देते हैं उसे। तुम बाहर आ सकते हो। अगर नहीं आया तो ओ, ये बताओ तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो?
इसका मतलब नहीं, हमें बस लगा कि तुम गिरने वाले हो। असल में ये यहाँ पर 9 बजे आए थे, फिर इन्होंने मुझे 1.5 घंटा मीम देखने पर मजबूर किया, फिर मुझे 20 मिनट परेशान किया, और अब बजे हैं 10:50, 11:15 बिल्कुल नहीं, जो कि बाहर आने का टाइम है। अभी 1 घंटा 20 मिनट बचे हुए हैं, मैं जल्दी बाहर नहीं आऊंगा। अब डोर बंद कर दो। हम जानते हैं हम हार गए हैं, और वो 1 घंटा और रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनीमे देखते हैं। चलो एनीमे देखते हैं, कम ऑन। हे व्हाट्स अप, अब ये दरवाजा खोल दो, 1 घंटा हो गया। तुम 1 घंटे से ज्यादा अंदर रहे हो, मतलब कुछ ज्यादा ही देर अंदर रह गए। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, मक्कार के। नहीं, ये सच है, ये सच में सच है। ओ, ये बाहर आ गया, टाइम देखो। आ जाओ। ट्रांजिशन। मैंने तुम्हारा पूरे 50 घंटों तक टॉर्चर सहा। मुझे आईफोन के अलार्म की आवाज सुननी पड़ी, वो भी 3 घंटे। वो जानबूझ के नहीं किया था। चलो अब जल्दी करो, वो स्लाइम डालो। ऐसा मत करो यार, इस बारे में बात करते करो ऐसा। नहीं 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 नहीं। ए जिमी, वो चीटिंग कर रहा है। ओ जप्पी जप्पी क्रिस्टी मिस्टर बी6 down.